हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी साइट लेफ्ट पे है, ये साइट है, ये देखो 53775। मैंने आपको इसका बताया ना मेथड, 5 के ऊपर प्लस 4 कर दो तो क्या आएगा 9, और ये एंड वाला 5 क्या शो कर रहा है, सेल कौन सा है। अब बताओ जीएसएम है या डीसीएस है, जल्दी बताओ। डीसीएस है, 1 2 3 जीएसएम, 4 5 6 डीसीएस। तो ये डी, और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है बैंड डी 1800। जब बैंड 900 आएगा तो वो जीएसएम होगा, ठीक है। अब ये मैप हम फॉलो करते हैं कि भाई मसलन आपको वो लोग कहते हैं I8 की DT करके लाओ, ठीक है, इस I8 की DT करके लाओ। अब ये फिर आप देखोगे, अच्छा अब आ जाओ, पहले सबसे पहले काम क्या करना है आपने, देखो ये साइट आईडी है 9377 और ये सेल आईडी है। ये मैंने आपको तरीका बताया था, सेल आईडी से साइट आईडी में जाने के लिए 48 कर दो और ये एंड वाला जो है ना इसको हटा दो, तो 9377 ये सही। वो अब जब ऑपरेटर के पास जाओगे वो बताएंगे। अब मोबलिंग का ये नहीं होगा, यू फोन का ये सिस्टम नहीं होगा, लेकिन फर्क देखो साइट आईडी ये होती है और सेल आईडी डिफरेंट होती है, वो आपको बताती है कि जीएसएम है या डीसीएस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले हम इस तरह करेंगे फाइल रिकॉर्ड्स, और ये ऑटो वाला तरीका जो मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए हैं लॉग फाइल रिकॉर्ड करने का, एक ऑटो और एक मैनुअल। अब मैं मैनुअल करना चाहता हूँ, लॉग फाइल रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज, इसमें जाओ इसको अनचेक कर दो, ठीक है, और इसको भी अनचेक कर दो, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से ये बनेगी, जब मैं जाऊंगा इस तरह का ऑप्शन देगा, ठीक है, जब भी मैं लॉग, अब देखो ये एक मसल लॉग फाइल बन गई, देखो 154 154, ठीक है। अब मसल मैं दूसरी बनाना चाह रहा हूँ, स्टॉप फिर प्ले, फिर मुझे ऑप्शन देगा। पहले वाले में क्या होता था, प्ले कर दोगे खुद करेगा ये, ठीक है, पहले वाले सही नहीं है सर, वो डिपेंड करता है ना आपकी रिक्वायरमेंट। अब ये आपकी डीटी स्टार्ट हो गई है जी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब सीक्वेंस मिलाओ, कॉल मिलाओ, कंट्रोल